ज बी एस सी आई टी वॉट इज बी एस सी कंप्यूटर साइंस ये करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है शुड बी गो फॉर ऑटोनोमसेंटर मुंबई करके जॉब लगती है तो पैकेज क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट बी एस सी आई टी करने के लिए फीस क्या होती है तो ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ये वीडियो में मिलेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक सो बिफोर स्टार्टिंग विद बीएससी कंप्यूटर साइंस काउंसिलेशन Let me tell you something about V2V classes. So, V2V classes led its foundation in the year 2013 with the basic objective to guide young minds and enhance their noble values. Our mission is to educate you in the field of engineering and technology, and our emphasis is to make you job ready. This is our result. किरण निकम हैज कोर्ड थर्ड रैंक इन मुंबई यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट रैंक इन कल्याण मॉडल कॉलेज विद द 9.90 पॉइंटर सो हेलो एवरी आई एम अक्षय गायकवाड़ एंड आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट बी एस एंड कंप्यूटर साइंस मैं आपको आज बताऊंगा बी एस के बारे में सारी चीजें कंप्यूटर साइंस के बारे में सारी चीजें और इसके ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में कॉलेजेस के बारे में और काफी सारी चीजें तो जुड़े रहिए हमारे साथ में एंड तक तो आप सबके दिमाग में होगा सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर और इट इज और वो सीटर ग्रेजुएटल में डिवाइड किया गया है तो ये जो कोर्स होता है जिसमें बीएससी में आपको पांच नए सब्जेक्ट मिलेंगे इन एवरी सेमिस्टर और बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको मिलेंगे छह नए सब्जेक्ट्स इन एवरी सेमिस्टर तो ऐसे करके आपको तीन साल मतलब कि छह सेमिस्टर्स बिताने होते हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आपके दिमाग में हुआ कि बी एस या कंप्यूटर साइंस करना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो हायर सेकेंडरी और टेन प्लस टू एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी मतलब आपने आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट किया रहना चाहिए सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि एडमिशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स मार्क्स ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैथ्स में जितने मार्क्स मिले वो मैथ्स के मार्क्स के बेसिसोमा फर्स्ट ईयर और, और सेकंड ईयर बिता दिया आप फिर डायरेक्टली बीएससीआईटी में जम करके बीएससीआईटी में आ सकते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर तो यह होता है हायर सेकेंडरी एंड टेन प्लस टू एग्जामिनेशन आपको बी एस सी आई टी के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स चाहिए अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स है तो आपको अच्छा कॉलेज अलोकेट किया जाता है बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको ट्वेल्थ के परसेंटेज देखे जाते हैं बट कि बीएससी आईटी करने के लिए आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स का सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाता है कैन कॉमर्स स्टूडेंट गो फॉर आईटी और कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली येस yes, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको बी एस सी आई टी करना है तो आप कर सकते हो बट ओनली वन कंडीशन इज देअर कि आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैथ्स होना चाहिए आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में अगर मैथ्स है वो मैथ्स के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपका बी एस सी आई टी में एडमिशन हो सकता है तो ये एक स्ट्रीम है जहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स से साइंस में शिफ्ट हो सकता है बट अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है और आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये कोर्स आप नहीं कर पाओगे क्योंकि Yes, सिर्फ इलेवन किया वही को है शुड वी गो फॉर और मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आज हमें देखने मिलता है कि काफी सारे कॉलेजेस हैं जो खुद को ऑटोनोमस करार कर रहे तो बेसिकली ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है मैं आपको बता दू ऑटोनोमस कॉलेज मतलब वो कॉलेज होता है हु इज अफिलियटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी जो अपने खुद के सब्जेक्ट्स बनाता है सब्जेक्ट्स को चेंज करता है कोर्स को थोड़ा मॉडिफाई करता है जिससे बच्चों को फायदा हो और मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स सारे सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं तो अगर कोई ऑटोनोमस कॉलेज है जो आपको अच्छे सब्जेक्ट्स देता है और आपको लगता है कि यह सब्जेक्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ऑटोनोमस कॉलेज में जाना चाहिए बट कुछ कॉलेजेस हैं जो ऑटोनोमस हो चुके हैं बट उनके सिलेबस ठीक तरीके से नहीं होते हैं तो आपको वो टाइम पे मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाना चाहिए अगर आप मुझे पूछेंगे तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस क्योंकि यहाँ पे ऊपर सारी चीजें प्लैंड होती है और सारी चीजें ढंग से बताई जाती है नाउ वी विल सी स्कोप इन बी एस सी आई करने में सच्चे में कुछ भलाई है कुछ फायदा है चलो देखते हैं ज बी एस सी आई टी बेटर इंजीनियरिंग सबसे पहला क्वेश्चन अब अब बी एस सी आई टी और इंजीनियरिंग में पहले बात फर्क समझिएगा कि बी एस सी आई टी अगर आपको करना है तो बी एस सी आई टी तीन साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बट इंजीनियरिंग हमारा होता है वो चार साल का होता है अगर आप बीएससीआईटी करते हो तो आपके जो कॉलेज की फीस होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है और इंजीनियरिंग करते हो तो कंपेरेटिवली फीस जो होती है वो ज्यादा होती है बी एस करने के बाद में आपको जो पैकेज मिलता है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट से थोड़ा कम मिलता है बट यस yes, मेरा मानना ये है कि आप एक बार आई कंपनी में घुस गए तो वहां पर कैसे ग्रोथ करना है ये तो डेफिनेटली आपके ही हाथ में होता है तो बी एस वो बच्चे लोगों को करना चाहिए जिनका थोड़ा फीस को लेकर के प्रॉब्लम है जो इंजीनियरिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं बट उनको आई फील्ड या कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है तो वो उन्होंने डेफिनेटली बी एस या कंप्यूटर साइंस को चूज़ करना चाहिए एकदम आप अगर मुझे पूछोगे कि हम एलिजिबल हैं हम सारे दोनों भी चीजें कर सकते हैं हम बी एस भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको बी एस के लिए जाना चाहिए क्योंकि इसमें कंपेयर टू इंजीनियरिंग इतनी पढ़ाई नहीं होती और ये बी एस का कोर्स करने के बाद में एक तो उसमें लोग कम होते हैं आपकी जॉब लगने की चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाती है यहाँ पे आपका खर्चा भी कम होता है और उसके साथ में आपको जॉब भी लग जाती है तो अभी क्वेश्चन आता है कि जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स आफ्टर बी एस मतलब आपने अगर बी एस सी कर लिया तो उसके बाद में क्या आपको जॉब लगेगी तो जॉब की पोजीशन क्या होगी कहाँ पे प्लेसमेंट होगी तो मैं आपको बता दूं कि आप बी एस या कंप्यूटर साइंस करने के बाद में प्रोग्रामर बन सकते हो डेवलपर बन सकते हो एक एक्सचेंज इंजीनियर बन सकते हो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो ऐसे काफी सारी फील्ड्स हैं जॉब पोजिशन है जो आप बेसिकली कर सकते हो बीएससीआईटी या कंप्यूटर साइंस करने के बाद में अब कौन से कंपनीज होते हैं जो आपको हायर करते हैं तो TCS है एटॉस है एक्सेंचर कैप जमनाई इन्फोसिस विप्रो एच सी एल L&T, टेक 3i एल टी इन्फोटेक थ्री आई इन्फोटेक तो ये ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो आपको हायर करती है आफ्टर यू कंप्लीट यूअर थ्री ईयर्स कोर्स ऑफ बी एस सी आई टी एंड कंप्यूटर साइंस सिर्फ यही कंपनी नहीं है काफ़ी सारी कंपनीज होती है चलो अभी तो आपको यह पता चल गया कि बेसिकली बीएससीआईटी करने के बाद में कौन से, से कंपनीज हमें जॉब देती है बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बी एस सी आई करने के बाद में क्या हमें मतलब जो जॉब लगेगी उसका पैकेज क्या होगा तो क्या पैकेज मिलता है हमें तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स टोटली आपने कौन से कॉलेज से बी एस सी किया है वहां पे प्लेसमेंट्स कितने आती है कौन से कंपनीस आती है बट इन समवेयर इन द रेंज ऑफ दो लाख से लेकर पांच लाख के बीच में टू लैक्स टू फाइव लैक्स पर एन के बीच में आपको जॉब लगती है

एक लाख पचास हजार तक मतलब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक वैरी कर सकती है आप बोलोगे इतना ड्रेस्टिक चेंज क्यों देखो कुछ कॉलेजेस होते हैं जो फीस कम चार्ज करते हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं बट कुछ कॉलेजेस ऑटोनमस हो जाते हैं जैसे कि सुमैया कॉलेज तो वहाँ पे जो फीस होती है वो लगभग एक लाख रुपया या एक लाख बीस हजार एक लाख तीस हजार ऐसी फीस होती है एक साल की तो वो कॉलेजेस बेसिकली बी एस करने के लिए आपसे इतनी फीस चार्ज फीस जो है वो चार्ज करते हैं बट अगर आप कोई एक प्रॉपर ऐसा कॉलेज जो अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी आता है वहां से करते हो तो वहां पे फ़ीस आपको मिलती है पच्चीस हज़ार तीस हज़ार पैंतीस हज़ार अकॉर्डिंग टू द कॉलेज कैंपस कॉलेज की में क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है इस तरीके से बट समवेयर अरेंज समवेयर अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेके वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड तक आपकी बी एस सी आई टी या बी एस सी कंप्यूटर साइंस की फ़ीस वेरी करती है और ये जो फ़ीस है वो एक साल की है बी एस करने के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है वो क्या है तो एक बात आप समझिए अगर आपको बी एस करना है तो सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अकाउंट ओपन करना होगा वहाँ पे सारे डिटेल्स डाल के खुद को एनरोल करना होगा आप जब ये एनरोलमेंट करोगे उसके बाद में आपको कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको जो जो कॉलेज पसंद है वो कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे और वो कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको पर्टिकुलरली वो हर कॉलेज में जाके या अभी कैसा है ऑनलाइन हो चुका है तो आपको ऑनलाइन वो कॉलेज के वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भरना होगा मतलब आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में भी खुद को एनरोल करना है और हर वो कॉलेज जिस जो आपने ऑप्शन में डाला है वहां पे भी जाके आपको एनरोल करना है इस तरीके से आपका ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस होता है हम इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं जो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगी तो वो वीडियो में आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और कॉलेज का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन हमने आज कवर किए काफी सारे टॉपिक्स जो रिलेटेड है बी एस सी आई टी एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस के सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो